नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। ये है सैमसंग का A30 फ़ोन, ऑन है, ये वाइब्रेट कर रहा है। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम आया है वो है डिस्प्ले लाइट का। यहाँ पे GSM IC देख सकते हैं, ये निकला हुआ है। ये शॉर्टिंग के कारण किसी ने निकाल के इसको ऑन किया है। और इधर भी काम किया गया है लाइट एरिया में, यहाँ पे देख सकते हैं। ये है हमारा लाइट IC, यहाँ पे लगा हुआ, ये देख सकते हैं। तो बूस्ट कॉइल वगैरह रिप्लेस करके देखा गया है, फ़ोन बिल्कुल पूरी तरीके से ऑन है ये, पर ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा है और ना ही हमारा लाइट आ रहा है। तो सुपर ऑलमोड LCD में आपको पता ही होगा कि अगर लाइट आएगा तभी आपको शायद लगता है कि ग्राफिक्स आता है। तो पहले हमें लाइट बनाना ज़रूरी है। इस IC को बाहर निकालेंगे। ये IC शायद मार्केट में मिल नहीं रहा है, पर हमें स्क्रैप बोर्ड मिला है साथ में, ये देख सकते हैं। इससे हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले रिप्लेस करते हैं, इसको निकालते हैं। ये मॉडल है A30। तो पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं, इस IC को। सकते हैं कि हमने इसमें IC लगा दिया है। देखिए, नज़दीक से दिखाते हैं आपको।
यहाँ पे हमने आईसी लगा दिया है। यहाँ पे बूस्ट कॉइल था वो भी हमने रिप्लेस कर दिया है। हालांकि इसे आपको लगाने के बाद शॉर्ट नज़र आएगा, ये शॉर्टिंग होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट बताए तो आपको निकाल देना है। यहाँ पे जो बीपिंग रहेगा वो शॉर्ट मोड में रहेगा। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो जब तक आपका इसमें लाइट नहीं आएगा, ग्राफिक्स भी नहीं आएगा, जो ऑलमोड एलसीडी होता है उसमें खास करके ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है। अब ये मत समझना आप कि ये तो शॉर्ट बता रहा है तो लाइट तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। सैमसंग में आपको एक जगह ग्राउंड किया जाता है कॉइल को। तो यहाँ पे हमने सारा काम कर दिया है। और ये दोनों आईसी है, यहाँ पे आपका आईसी का नंबर भी आपको हमने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने रिप्लेस किया, ये छोटा सा ये स्क्रैप बोर्ड से ही हमने निकाला है, क्योंकि ये जो आईसी है वो मार्केट में है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ मार्केट में नहीं है ये आईसी, हो सकता है कहीं कहीं मिल रहा होगा। तो हमने इसको स्क्रैप बोर्ड से, इस बोर्ड से निकाला था। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ से हमने एक कॉइल निकाला और उसके बाद ये आईसी निकाला। चलिए अब सीधे हम इसको चेक करते हैं। तो ये है हमारा पैनल। इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे हमारा पावर स्विच है, इसको दबा के रखते हैं थोड़ी देर। ये देखिए हमारा लाइट आ गया है, ये देख सकते हैं सैमसंग A30 फोन ऑन था, बस डिस्प्ले लाइट ग्राफिक्स कुछ भी नहीं था। तो हमने एक एक आपको बताया कि इस ऑलमोड एलसीडी में आपको जब तक लाइट नहीं आएगा आपको ग्राफिक्स भी नहीं आएगा। तो देख सकते हैं पूरी तरीके से इसको ऑन होने देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा लाइट आईसी और ये जिनका फोन है। चलिए हमारा काम हो गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और चैनल में, चैनल के नीचे ज्वाइन बटन आया हुआ है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। आपके लिए हम स्पेशल वीडियो बना सकते हैं, जिस टाइप को आपको चाहिए उस टाइप का हम आपको वीडियो बना के देंगे। और लाइव स्ट्रीम भी आपके लिए हो सकते हैं, तो आप लोग ज्वाइन भी करिए मेरे चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।